हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बारंबारता सारणी से माध्यिका कैसे निकालेंगे। जब आपको वर्गांतराल और बारंबारता दी गई हो तो आप उससे माध्यिका कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी 4 नंबर का आपके एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस ही क्वेश्चन पर आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया है, आप लोग उसका तरीका सीखिएगा। मेन चीज, क्वेश्चन कोई सा भी हो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको उसका तरीका आता है तब तो मेन इंपॉर्टेंस रखता है आपका मेथड, तरीका। अगर आपको तरीका आता है तो आप लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है बारंबारता सारणी से माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, आपको वर्गांतराल दिया गया है और आपको बारंबारता दी गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है सिर्फ। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले हम लोग। हमें निकालना है माध्यिका। हमें क्या क्या दिया गया है, वर्गांतराल, बारंबारता। बारंबारता क्या होती है, एफ। ये दो चीज़ें दी गई हैं, इसको नोट कर लेते हैं पहले। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कहाँ तक है ये देखो, 50 तक। ये 4, 13, 18, 9, 6, इसको लिखते हैं 4, 13, 18, 9, 6। अब देखिए यहाँ पर जब वर्गांतराल और बारंबारता दिया गया हो हमें और हमें माध्यिका निकालना, देखो दो चीज़ तो दे ही देता है हमें। तो देखिए इसके लिए बाद तीसरा काम किया जाता है, संचयी बारंबारता निकाली जाती है। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। इसको चलिए CF लिख देते हैं, संचयी बारंबारता को, ठीक है। इसको निकालेंगे हम लोग। अब देखो संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, इसका भी एक तरीका होता है। जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ तो हम पहले 4 लिख देंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप लिखेंगे तो 4 ये लिखा हुआ इधर, 4 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और 13 दूसरा वाला, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। 4 और 13 कितना हुआ, 17, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या रहेगा कि ये 17 जो आ गया है हमारा, इसमें अगला संख्या क्या है, 18। 17 में 18 जोड़ेंगे, लिख देंगे। 17 18 कितना हो जाएगा, 35, इसको लिख दिया। जो संख्या आ गई देखो 35 आ गया, अब 35 में क्या करेंगे, अगली संख्या क्या है, 9, इसको जोड़ देंगे। 35 9 44, इसको लिख दिया। और 44 लास्ट में क्या बचा, 6 है, तो ये 44 6 हो गया, 50, इसको लिख दिया बस। फिर समझो एक बार, जब आपको बारंबारता दी गई हो तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। पहला काम क्या था हमारा, सबसे फर्स्ट काम क्या किया था हमने, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, जैसे यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले सेम टू सेम संख्या को नोट कर लिया 4 की जगह पे 4। अब इसके बाद आगे समझो, अब क्या करना है हमें, अब देखो तुम्हें दिखा रहे हैं यहाँ पर, अगली संख्या जोड़ना है। जैसे 4 में 13 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 17, तो हम 17 यहाँ पर लिख देंगे, समझ गए। जो 17 आ जाएगा इसमें अगली संख्या जोड़ेंगे 18, कितना आ जाएगा, 17 18 मिलकर जोड़ने पर 35, तो 35 लिख देंगे, लिख गया 35, समझ गए। अब 35 में क्या करेंगे, अब 35 में हम लोग करेंगे यहाँ पे 9 जोड़ेंगे, तो 35 9 कितना हो जाएगा, 44, ये लिख गया यहाँ पर। और 44 में हम लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका 50। तो ये आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे कि जब हमें बारंबारता दी जाती है तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। समझ गए होंगे यहाँ पर आप लोग। अब आगे समझो आप लोग। अब देखो ये कितना आ गया आपका, ये लास्ट में संख्या आ गई 50, ये तो आई, ये आपका एन बराबर आ गया है 50। क्लियर बात, ये 50 होता क्या है, इन सभी का अगर हम योग निकालें, इन सभी को हम जोड़ें तो जोड़ने पे 50 ही आएगा। देख लो, चाहे 13 4 17 18 35 9 44 6 50, 50 आ जाएगा। तो बस वही लिखा हुआ है 50, ठीक है।
और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हटा देते हैं इसको भी। अब देखो सिर्फ समझने वाली बात क्या है, जो भी हमारा आ जाए, जैसे हमारा यहाँ पर एन का मान आ गया 50, हम लोग लिखेंगे एन वाला 50 आ गया, ठीक है। लास्ट वाली संख्या जो होती है वही एन होती है, वही एन होती है, ठीक है। अब लिखेंगे कि एन बटे दो बराबर, इसका निकालो 50 बटे में आ जाएगा 2, ये आपका आ जाएगा 25। एन बटे दो बराबर 25 है, जो कि संचयी बारंबारता लिखना है आपको, ठीक है, भाषा लिखना है, जो कि संचयी बारंबारता। अब देखो ये 25 जो है किसके अंतर्गत आता है, आप ये देखो जो भी 25 ही है ये किसके किसके बीच में आता है, आप ये तो बता सकते हो किसके किसके बीच में आता है, इतनी बात तो बता सकते हो आप लोग। आप लोग हिसाब लगाओगे और कहोगे कि 25 जो है ये आता है 17 और 35 के बीच में, बताओ इतनी तो बात लगा सकते हो साहब, ये 25 यहीं पे तो आता है। तो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पर भी बीच में आता है तो सिर्फ इतना काम और करना है, देखो 25 और 17 और 35 के बीच में 25 आता है, तो आपको बड़ी वाली संख्या लेनी है। कौन सी बड़ी, कौन सी आपकी 35, तो 35 वाले लाइन को लेकर एक लाइन कर देना यहाँ पर, ये यही तो है। बस समझ गए आप लोग, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से एन वाई टू का मान निकाला है, एन वाई टू का मान कितना आ गया 25 आ गया, जो 25 जो है संचय बारंबारता। अब देखो बड़ी वाले 25 17 और 35 के बीच में आया है तो हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, और आपको बड़ी संख्या लेना हमारे साथ, ठीक है, जो दो संख्याओं के बीच में हो, छोटी वाली को छोड़ देंगे बड़ी वाली संख्या को लेंगे। एन बटे दो बड़ा 25 है, जो कि संचय बारंबारता 35 के अंतर्गत आता है, 35 के संचय वाला बता 35 के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है, इसके आगे लिखेंगे आता माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका वर्ग कितना होगा ये लिखा होगा कोष्ठक में, कितना आया 20 से 30, तो 20 से 30 होगा। अब ये बात और समझ लो थोड़ी सी कि माध्यिका वर्ग का मतलब क्या होता है, माध्यिका वर्ग मतलब आपका जो भी आंसर आएगा माध्यिका का वो 20 और 30 के बीच में आएगा, बस ये बात हो गई यहाँ पर, माध्यिका का आपका जो भी आंसर आएगा वो 20 और 30 के बीच में आ जाएगा बस। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या क्या हमें, अब देखो ये इसमें देखो हमें यहाँ पे वर्गमूल दिया गया है 20 से 30, तो इसमें देखो लिखेंगे L11 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20, दूसरा दिया गया L2 ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है, देखना। फिर आगे देखो ए दी गई हमें एफ, इसको लिखेंगे एफ बराबर जो भी आ जाए 18 है 18 लिख देंगे। इसके बाद देखो ये जो आपने लाइन की थी अभी, लाइनिंग जो हुई थी यहाँ पे, ये लाइनिंग है देखो आपको लगा रहा है यहाँ पे लाइनिंग, ये लाइनिंग है आपकी, और इस लाइनिंग के ऊपर ये जो संख्या लिखी हुई है यही संख्या होती है आपकी सी एफ, इसको लिख देंगे हम लोग सी एफ को 17। क्लियर बात, हमें निकालना क्या है, माध्यिका निकाल दिया है। देखो माध्यिका के लिए सूत्र लिखेंगे, चलो आगे पेज पे लिखते हैं, माध्यिका निकालनी है तो लिखेंगे माध्यिका बराबर L1 प्लस, समझना सही से, L2 माइनस L1 अपॉन F एन बाई टू माइनस सी एफ। बस इस फॉर्मूले को लगाएंगे माध्यिका का आंसर आ जाएगा हमारा, कैसे लगाएंगे देखो L1 प्लस L2 माइनस L1 इसी के बटे में से F है इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ। L1 का मान देखो कितना था, L1 का मान था 20, L2 का मान 30, तो पहले इसी को लिखते हैं, L1 का मान है 20 तो लिखेंगे 20 प्लस L2 का मान है 30 तो 30 माइनस L1 का मान है 20 अपॉन F का मान देखो कितना है, F का मान है 18 और सी एफ का मान है 17, और n बटे 2 का मान कितना है आपका, ये है मान 25, दूसरा मान रख लेते हैं, एफ का मान है 18, एन बटे 2 का मान है 25 माइनस सी एफ का मान है 17। देखो मान बिल्कुल सही रखे हैं, देखो यहाँ पे मिला लो एक बार, एन बटे 2 का मान 25, एफ का मान 18, सी का मान 17, बिल्कुल सही रखा हुआ है, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, तो 20 प्लस 30 से 20 जाएगा बचेगा आपका 10 बटे 18, और यहाँ पे 25 से 17 जाएगा कितना बचेगा
आठ, ये तो बचा। अरे आप देखो इसको सॉल्व करो, दो चक्कू आठ, इसको काटो, दो नेम 18, तो हो जाएगा 20 प्लस 4 दसावन 40/9, 9 चौक 36, बचा 4 पॉइंट लगाया 0 40, 9 चौक 36, 4 पॉइंट 4, और 20 इधर वाला देखो, 20 से पूरा पूरा 4 ये पूरा, तो हो जाएगा 24.4। 24.4 जो है वो आपकी माध्यिका आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 24.4। बात समझ में आप लोगों की आ गई होगी कि हम लोगों ने यहाँ पे माध्यिका फाइंड की है, तो माध्यिका आपकी आ गई 24.4। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहा हो, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट उसके लिए जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम उस सवाल को भी सॉल्व कर सकें। तो ये सवाल था आपका, ये 4 नंबर का आता है कम्प्लीटली। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई अगर परेशानी प्रॉब्लम समस्या आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप